हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। एमबीबीएससी मेंस थर्ड पेपर को लेकर क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि एमबीबीएससी का जो नया सिलेबस है, जिसमें पेपर थर्ड में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें सिलेबस के टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको इसी बारे में चर्चा करने वाला हूँ। पूरा सिलेबस जो है आपको बहुत डिटेल बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क में पूछे जाएंगे। इसके अलावा पहले के सिलेबस में और अब के सिलेबस में क्या बदलाव है, ये भी हम एक मोटा मोटा देख लेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से जो एमपीपीएससी का थर्ड पेपर है वो क्लियर हो जाए, मेंटेलिटी बन जाए। और मैं आपको आने वाले समय में कौन कौन से विषय पढ़ाने वाला हूँ, किस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ, वो भी आपको कवर हो जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम यहाँ पर। अगर हम 2019 का सिलेबस एक बार चेक करें, तो 2019 के सिलेबस में पेपर थर्ड और अब के सिलेबस के पेपर थर्ड में काफी ज्यादा वेरिएंट आया है। यहाँ पर यह था 2019 में कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस इकोनॉमी दोनों थर्ड पेपर में था, यानी कि 150 नंबर में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन शामिल था और अदर 150 नंबर का आपका क्या था, इकोनॉमी था। लेकिन इस बार पूरा गेम चेंज है और अब इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसकी बढ़त काफी ज्यादा है, यानी कि सिलेबस 2020 के अकॉर्डिंग जो आया है उसके अनुसार साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा ही एक पेपर बन चुका है, जो है पूरे के पूरे 300 नंबर का। यानी कि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा अदर कोई सा सब्जेक्ट आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाने वाला है। जो पहले 150 का हुआ करता था, अब वो हो चुका है 300 का। तो पहले अपने माइंडसेट में ये क्लियर कर लीजिए कि पेपर थर्ड अब आपको पूरा देना है, ईमानदारी के साथ देना है, और 300 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। यानी कि पेपर थर्ड आप पर अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी ला देता है कि आप अपना सिलेक्शन एमपीपीएससी में किस प्रकार से करवाएंगे। अब यहां पर अगर आगे हम देखें तो मैं आपको थोड़ा सा एक मोटा मोटा प्रारूप बताता हूं। टोटल 10 यूनिट है आपके पेपर थर्ड में, इसमें कौन कौन सा है वो तो मैं आपको सिलेबस में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि 10 यूनिट है और इसमें से पर यूनिट से आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो रहेंगे 30 मार्क्स के। ओके, इस बात को समझिए कि हर यूनिट से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने, यानी कि कुल मिला के 100 यूनिट के कितने मार्क्स हो जाएंगे, 300 मार्क्स आपके होने वाले हैं। अब यहाँ पर 10 यूनिट कौन कौन सी हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही आने वाले समय में मैं आपको पेपर थर्ड के अंतर्गत पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक जो हैं या सब्जेक्ट शामिल हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिजिक्स पूरा का पूरा 30 नंबर की यूनिट रहेगी। देन इसके अलावा रसायन यानी कि केमिस्ट्री, उसके बाद जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, देन उसके अलावा कंप्यूटर, ये भी 30 मार्क्स का हो गया है। गणित भी फाइनल इन्होंने 30 मार्क्स का अलग से कर दिया है, पहले नहीं होता था। स्वास्थ्य है, उसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान, ऊर्जा, पर्यावरण और भूगर्भ शास्त्र, ये जो 10 टॉपिक हैं, इन 10 टॉपिक को आप अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए, क्योंकि अगर आप थर्ड पेपर कवर करना चाहते हैं तो आपको बकायदा इन 10 के नाम मुंह जबानी याद होनी चाहिए। और फिर से कह रहा हूं, पर सब्जेक्ट यहां पर कितने मार्क्स लेने वाला है, 3 मार्क यहां पर सब्जेक्ट से जाने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है, यानी कि फिजिक्स में क्या है, रसायन में क्या है, जीव विज्ञान में क्या है, ये टॉपिक मैं आपको अब सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से सिलेबस डिस्कस करवा देता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो ये है एमपीपीएससी का सिलेबस और यहां लिखा है थर्ड पेपर विज्ञान और तकनीकी। क्लियर, इन्होंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, विज्ञान और तकनीकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कौन कौन से पूछे जाने वाले हैं, तो मैंने आपको 10 सब्जेक्ट क्लियर करे हैं। आई होप यहां पर आपको चीजें जो हैं वो अच्छे से क्लियर भी होगी। चलिए इसके बाद हम यहां पर जो चीजों को हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर जो चीजें रहेंगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। फर्स्ट जो आपकी इकाई है यहाँ पर वो है फिजिक्स की। अब फिजिक्स में आपके कौन कौन से टॉपिक शामिल होने वाले हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं। कार्य बल एवं ऊर्जा, ये एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपसे गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य, इसके अलावा दूसरे टॉपिक में यहाँ पर इकाइयां और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण,
तो यहाँ पर हम शुरुआत भी इकाइयाँ और माप से करने वाले हैं, यानी कि मैं आपको फिजिक्स से ही शुरुआत यहाँ पर थर्ड पेपर की करने वाला हूँ। एक चीज़ और समझ लीजिए कि 30 मार्क्स एक आपके यूनिट से पूछे जाएंगे, यानी कि ये जितने भी टॉपिक देख रहे हैं आप, जैसे कि ध्वनि में परिभाषा, प्रसार, माध्यम, श्रव और अश्रव्य ध्वनि क्या होती है, शोर एवं संगीत, इसके अलावा कुछ शब्दावलियां भी आपसे पूछी जाएगी, आयाम, तरंग, लंबाई, कंपन की आवृत्ति, उसके अलावा विद्युत, चुंबक, प्रकाश और ऊष्मा का, और जो अंदर लिखा है इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि होगा क्या, पर यूनिट से आपसे 3 मार्कर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। इसके अलावा 5 मार्कर के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 11 मार्कर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे तो 9 नंबर तो 3 मार्कर के, 10 नंबर आपके 5 मार्कर के और 11 नंबर, ये टोटल 30 नंबर आपके यहाँ पर ऐसे कवर हो जाएंगे। ऐसे ही आपसे सब यूनिट से पूछे जाने वाला है। तो इकाई फर्स्ट वो किसकी है, फिजिक्स की है। देन इसके अलावा इकाई दो की हम बात करें तो ये है आपका केमिस्ट्री, यानी कि इकाई दो में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे केमिस्ट्री के। अब इसमें केमिस्ट्री पूरा नहीं है, जो जो टॉपिक दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना रहेगा, यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसमें उसकी परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता, ये सारी चीजें हैं। देन इसके अलावा अगर बात करें आगे तो पदार्थ, धातुए, अधातुए, आवर्त सारणी, आवर्तता, ये सारी चीजें हैं। परमाणु, उसकी संरचना, संयोजक बंध, परमाणु संलयन, विघटन, अम्ल क्षार, लवण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और दैनिक जीवन में रसायन। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस ना भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये सारी चीजें बहुत ही सरल भाषा में और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके मेंस में गारंटी है कि 300 में से आप 250+ मार्क गेन कर लेंगे, लेकिन बशर्ते आपको मेरे साथ ईमानदारी से जुड़ा रहना पड़ेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं इकाई 3 की। तो यहाँ पर जो चीज है वो है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, कोशिका संरचना, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, इसके अलावा पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों, पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हिंताजन्य रोग, हार्मोन्स, इसके अलावा ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी। जीवों में श्वसन हो गया, पशु और पौधों में परिसंचरण, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, और पशु और पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां। तो ये भी यूनिट आपकी कितनी रहेगी, 30 नंबर की पूरी यूनिट रहेगी। इसके बाद ये तो रहा हमारा साइंस का पर्टिकुलर, जिसे हम साइंस मान के चलते हैं वो है यहाँ पर, लेकिन साइंस को थोड़ा और वाइड किया जाए और टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए तो टेक्नोलॉजी में फिर आती है फोर्थ यूनिट, और फोर्थ यूनिट है कंप्यूटर की। इससे पहले कंप्यूटर मेंस में बिल्कुल नहीं था, इससे पहले जो कंप्यूटर था वो था सिर्फ और सिर्फ प्री में। अब आपको कंप्यूटर के बारे में मेंस में आंसर राइटिंग भी करनी रहेगी। तो यहाँ पर टॉपिक कंप्यूटर के प्रकार, उसकी विशेषताएं, पीढ़ियां हो गई, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, ऑफिस के उपयोग, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाने वाली है। कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से चेंजेस होता है, कंपाइलर से, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इसके अलावा इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस और कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल, साइट और वेब पेजेस। तो ये रहा कंप्यूटर आपका पूरा का पूरा 30 मार्क्स का। तो यहाँ पर भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये भी आपको इत्मीनान से पढ़ाया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पर 5वें नंबर पर मैथ इन्होंने जोड़ा है, गणित है ये 5वीं इकाई, और 30 मार्क्स फिक्स कर दिए हैं उन्होंने। पहले ऐसा नहीं था, पहले गणित में कभी 2 क्वेश्चन आते थे, कभी ज्यादा आ जाते थे, कभी कम थे, लेकिन गणित का रेशियो बहुत कम था मेंस में। अब यहाँ पर गणित का रेशियो इन्होंने फिक्स कर दिया है, हालांकि यहाँ पर डेटा कम दिख रहा होगा आपको, लेकिन कुछ चैप्टर फिक्स हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद चीज रहेगी यहाँ पर कि संख्या और उसके प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, और फिर एक सांख्यिकी का चैप्टर है जो आप 10th में आखिरी में पढ़ा करते थे, प्रायिकता, माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं विचारणशील की माप, आदर्श के प्रकार। तो हेवी वर्ड देखिए घबराइएगा बिल्कुल मत, आपको मेंस के अकॉर्डिंग ये हम जरूर पढ़ाएंगे। इसके बाद में छठा जो मैंने आपको बताया था, स्वास्थ्य वाला एक चैप्टर शामिल किया है इन्होंने। तो स्वास्थ्य में ये संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, भारत सरकार की आयुष चिकित्सा पद्धति क्या है, और केंद्र और राज्य शासन की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं, देन इसके अलावा केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन।
तो यहाँ पर ये इकाई 6 के अंतर्गत एक स्वास्थ्य वाला चैप्टर शामिल किया है, ये भी आसानी से कवर हो जाएगा। उसके बाद सातवां जो इकाई है ये थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा, लेकिन बड़ा है नहीं, नाम थोड़े ज्यादा से बड़े दिख रहे हैं। एक्चुअल में सातवीं यूनिट किसकी आ जाती है आपकी, अंतरिक्ष विज्ञान की। तो ये भी किस में आ गया, एक कंडीशन के तहत टेक्नोलॉजी इसमें हम कह सकते हैं। तो मानव जीवन पर विकास के क्या प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, इसके अलावा रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, इसके अलावा ये जो इतना बड़े आपको नाम दिख रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक्चुअल में संस्थान ही है, जैसे कि इसरो, आरआरकेट, डीआरडीओ, एसडीएससी, टीआईएफआर, बार्क, ये ऐसे सारे संस्थान हैं। इन संस्थान के बारे में हमें सामान्य से जानकारी रखनी होगी और ये आसानी से हो जाएगा। तो एक्चुअल में है क्या, इनके बड़े बड़े नाम हिंदी में दे रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सातवीं यूनिट भारी भरकम लग रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, यूनिट बड़ी हो या छोटी हो, नंबर तो उससे 30 ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि फिर आप सातवीं यूनिट पर ज्यादा फोकस करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सभी यूनिट पर बराबर फोकस करना है। सातवीं यूनिट में कुछ और चीजें बच जाती हैं, जिसमें उपग्रह क्या होते हैं, प्रक्षेपण यान यानी कि जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये भी आपको क्लियर यहाँ पर बताना रहेगा। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, क्लोन्स, रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बौद्धिक संपदा अधिकार, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। और जो एक अच्छी चीज और इन्होंने जोड़ी है वो है यहाँ पर कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारतीयों का क्या योगदान है। तो कम से कम इनके जरिए हमें भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानने को मिलेगा, जिसमें चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जेसी बोस, होमी जहांगीर भाभा, एम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सत्यनाथ बोस, राज रमन्ना और प्रफुल्ल चंद्र हैं। तो इनके बारे में भी हमें क्या सामान्य से जानकारी रखनी होगी। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिलते हैं। तो एक्चुअल कंडीशन में देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो यहाँ तक काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। बाकी बची जो तीन यूनिट हैं इसमें थोड़ा सा भूगोल वाला पोर्शन हम कह सकते हैं वो शामिल कर दिया है। तो इसमें ऊर्जा वाला चैप्टर आ गया पूरा का पूरा आठवां, जिसमें ऊर्जा, इसके गैर पारंपरिकत स्रोत, ऊर्जा की कैसे दक्षता की जाती है, प्रबंधन, एकीकरण कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें, इसके अलावा क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं, और वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं क्या क्या हैं, और क्या क्या नई नई ऊर्जा जो है, जैसे महासागरीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सारा इसमें शामिल किया गया है। देन इसके अलावा इकाई 9 जो है वो पूरा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो है वो इकाई 9 के तहत शामिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यावरण, तो कुल मिला के पर्यावरण पूरा है यहाँ पर। हालांकि इन्होंने पारिस्थितिकी एड नहीं किया है, वो नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन पर्यावरण का जो एक सामाजिक है वो पोर्शन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हैं, ये भी आपको इत्मीनान के साथ कवर करवा दिए जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फाइनली बचती है 10वीं यूनिट। तो एक्चुअल में ये जियोग्राफी की ही यूनिट है, लेकिन इन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया उसको। तो यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा महत्व, जिसमें आप देखेंगे तो भूपरपटी, मेंटल, को, स्तरमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, चट्टान, आग्नेय, तो ये यहाँ से लगाकर ये वाला पोर्शन जियोग्राफी में कवर करवा दिया गया है। तो साथियों, ये था हमारा कुल मिला के यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 10 यूनिटें, बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, इसको हल्के में लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 300 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप 600 मार्क्स लाते हैं और 600 में अगर आप 300 भी ऐड कर देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है 900 नंबर के आसपास तो आप डिप्टी कलेक्टर भी बन सकते हैं। तो यही चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब हमें यहाँ पर जो थर्ड यूनिट है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कतई हल्के में नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो क्लासेस वीडियो हैं वो मिलने वाले हैं, और मैं आपको अब जो फिजिक्स हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। अब आपके मन में ख्याल कि हमको जो क्लासेस है वो किस प्रकार से मिलने वाली है या हमें किस प्रकार से यहाँ पर क्लासेस शो होने वाली हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूँ हमारे कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। 700 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग चल ही रहा है क्लासेस। 700 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हम कौन कौन सा सिलेबस जो कवर करवा चुके हैं। डेमो वीडियोज़ आपको अवेलेबल है, आप जाकर देखिएगा, और पीएससी अड्डा चैनल जिस पर आप विजिट कर रहे हैं यहीं पर बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है जियोग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री की। आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, पीडीएफ हैं, इसके अलावा हर महीने
सॉरी हर वीकली जो आपको है सप्ताह के अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप इस चीज को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पर चीजें क्लियर करवा देता हूँ। अगर आप अपना ब्राउजर या कुछ खोलते हैं और वहां पर आप जाकर सर्च करते हैं पीएससी अड्डा, ये प्राइवेट विंडो है तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा। अगर आप पीएससी अड्डा सर्च करेंगे तो यहाँ पर गूगल में आपको फर्स्ट नंबर पर ये हमारा पूरा जो वेबसाइट बना रखी है ये मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे ही अगर आप इसको टैप करते हैं यहाँ पर पीएससी अड्डा को, तो आपके सामने जो स्क्रीन है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी और यहाँ पर आपको दिखेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2020। तो आपको जाना कहाँ पर है, यहाँ पर जाके आपको टैप करना है। जैसे अगर आप यहाँ पर जाकर टैप करते हैं तो कुछ साइट का दृश्य इस प्रकार का रहेगा यहाँ पर। तो एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पीएससी ऑनलाइन कोर्स, और अगर आपको लॉगिन करना है यानी कि अगर आपको देखना है डेमो वीडियोस, तो डेमो वीडियोस के लिए आप यहाँ पर सीधा जा सकते हैं, हमारे डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने कोर्स परचेस कर रखा है तो सीधा से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो इसके लिए आप ये वाला वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको अच्छे से सर बता देंगे, रोहित सर ने वीडियो बना रखा है कि आप एमपीपीएससी के लिए जो कोर्स है वो किस प्रकार से खरीद सकते हैं, यहाँ पर जाके टैप करिएगा। अगर आप कोर्स परचेस कर लेते हैं और जिन छात्रों ने किया है तो अंदर का जो दृश्य है वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। जब अगर आप लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट जो हैं हम करवाने वाले हैं, जैसे कि इसमें इकोनॉमी कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं बकायदा, इसके अलावा इतिहास चल रहा है, भूगोल चल रहा है, इसके अलावा और जो बाकी चीज़ें देख रहे हैं आप, एग्रीकल्चर, संविधान, एमपीजीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, इसके अलावा हिंदी, इथिक्स, पंचायती राज, ऐसे और गणित, ये सारे जो मेन मेन टॉपिक यहाँ पर, मेन मेन तो क्या, सारा ही एमपीपीएससी का सिलेबस है। तो ये किस प्रकार से हमें क्या करना है, किस प्रकार से हमें पेमेंट करना है, ₹700 पर मंथ के हिसाब से आप क्लासेस यहाँ पर हमारी मंथली देख सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे जो मैंने कंप्लीट करवाई है, तो यहाँ पर बकायदा ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख जाएगा कि इकोनॉमी में ये यहाँ पर सारे वीडियो कवर करवा दिए। जैसे कि अर्थव्यवस्था में ये वीडियो मिल जाएंगे, राष्ट्रीय आय में 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे, आर्थिक नियोजन में, तो ऐसे लगभग यहाँ तक जाएंगे फाइनली, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में जितने भी थे वो कवर करवा चुके हैं। ये अगर आप परचेस कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अनलॉक शो हो जाएगा। तो इस प्रकार के सारे वीडियो बाय टू बाय एक एक सब्जेक्ट कवर करवा चुके हैं। इसके लिए मात्र ₹700 पर मंथ आपको पेमेंट करना है। वैसे ही आपको हिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे और उसी प्रकार से आपको जियोग्राफी के भी यहाँ पर ये वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जैसे कि ये वीडियो है तो ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, इसका PDF, जैसे कि आप इस पर टैप करते हैं बकायदा, तो यहाँ पर जो वीडियो हैं वो अच्छे तरीके से प्ले होना भी आपका शुरू हो जाएगा वैदिक काल को लेकर, और अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे तो वीडियो चल जाएगा। इसी हिसाब से एक चीज और बता दूं मैं आपको, वो ये कि आपको यहाँ पर बकायदा ये सारे 7 टेस्ट दिख रहे हैं, तो ये प्री अकॉर्डिंग जो टेस्ट है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप कोर्स परचेस करते हैं। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे छात्र ऐसा सोचते हैं कि सर हमें तो सिर्फ और सिर्फ जो पेपर थर्ड है उसको पढ़ना है, हमें तो ना हिस्ट्री पढ़ना है, ना जियोग्राफी पढ़ना है, ना इकोनॉमी पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए भी आपके लिए सुविधाएं, उसके लिए एक्चुअल में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर अगर हम देखें अच्छे से, तो एक्चुअल कंडीशन जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी यहाँ पर, थोड़ा सा हम अच्छे से बता देते हैं इस चीज को। देखिए, अगर आप स्पेशल पेपर थर्ड के लिए कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो पेमेंट रहेगा वो रहेगा ₹4,000 ओनली। यहाँ पर आपको 5 डेमो वीडियोस बकायदा अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आप देख लीजिएगा कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो डेटा है वो कितना करेक्ट है, कितनी टेक्नोलॉजी के साथ में हम पढ़ा रहे हैं, एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहे हैं। अगर आप में से बहुत सारों को लगता है कि ₹4,000 हम सिर्फ पेपर थर्ड के लिए दे रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए कि 10 सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ ईमानदारी के साथ में, इसमें फिजिक्स, रसायन, बायो, कंप्यूटर, गणित, भूगर्भशास्त्र, पर्यावरण, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और स्वास्थ्य। अब ये जो सब्जेक्ट हैं काफी थोड़े लंबे चलने वाले हैं, एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कवर करवाने वाला है, और ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ पूरे एमपी में आपको थर्ड पेपर इतनी ईमानदारी के साथ में कोई सी भी ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं करवाएगी। ₹4,000 यहाँ पर इस बात के कतई ज्यादा नहीं है, क्योंकि वीडियो आपको लगभग लगभग 100 से प्लस मिलने वाले हैं, इतनी मेरी गारंटी है। तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ पेपर
थर्ड चाहते हैं यहाँ पर, जिनमें आपको ये सारी चीजें डिटेल में कवर करवाए जाए, यानी कि 300 मार्क्स डिटेल में कवर करवाए जाए। हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम सिर्फ 300 मार्क्स के लिए 4000 दे रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप दूसरी जगह जाकर जरूर दे देंगे, लेकिन वो चीज ढूंढिए आप जिसका कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल रहा है, उतनी शानदार चीज आपको ओनली 4000 में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा मैं बताता हूँ 4000 में आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होने वाली। इन सभी वीडियो लेक्चर के PDF अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपको प्री अकॉर्डिंग वीकली टेस्ट होंगे, और बहुत जल्द आपको जो मेंस है उसके अकॉर्डिंग भी टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहां पर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर के बारे में देखिए, आपको प्री मेंस के अकॉर्डिंग सारे के सारे फीचर्स हम अवेलेबल करवाने वाले हैं, और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपकी जल्द यहां पर लगने वाली है। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि जो ₹700 पर मंथ के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, आप ₹700 पर मंथ देते जाइएगा। आपको जो यहाँ पर वीक मंथली वीडियो है जिसमें आपको 65 प्लस वीडियो मिल रहे हैं, तो ये ₹700 पर मंथ अगर आप पे करते हैं, तो इसमें क्या होता है एक्चुअल कंडीशन में आपको कि सभी सब्जेक्ट के वीडियो मिलते हैं, जिसमें जो भी सब्जेक्ट उस दौरान चल रहे हैं, तीन वीडियो पर डे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो वेरिएंट चल रहे हैं वो डेली मिल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्पेशल यहाँ पर थर्ड पेपर पढ़ना चाहेंगे तो ये प्राइस रहेगा, और बाकी अगर आप करना चाहें तो उसमें आपको ₹700 पर मंथ के अकॉर्डिंग और भी सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको जो मैंने सिलेबस बताया वो अच्छे समझ में आया होगा। 5 वीडियो डेमो आपको फिजिक्स के अवेलेबल होने वाले हैं, 12 PM पे इसका प्रीमियर शुरू हो जाएगा। चले साथियों, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप जो मैंने आपको चीज़ें क्लियर करी हैं, सिलेबस बताएं, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।